होने को है शायद, मतलब सुनवाई है, क्या होगा अब कानूनी कार्यवाही, पुलिस प्रशासन जो भी यानी कि कानून है देश का उस अनुसार से संविधान में उस पे क्या है, अगर बेगुनाह है तो उसको तो छोड़ दिया जाएगा, अगर क्या कहते हैं अगर ये अगर दोषी है ना, इस पे आज बहस होगी और हो सकता है आज विष्णु राज जेल से रिहा भी हो सकते हैं या नहीं बिल्कुल, तो आगे भी टल सकता है, ये क्या होगा कानूनी कार्यवाही इस पे अब चल रहा है। अब अपना देखिए कर आज रहे हैं बहस होगा लोग। और आज उनका पेशी है और आज उनका सुनवाई होना है, तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि विष्णु राज, देखिए एक चीज हम कहना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं इस पे हम टिप्पणी या ये नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि हम इस सब चीज से बहुत ज्यादा दूर ही रहना पसंद करते हैं, है ना। लोग आजकल का ये हो गया है, दो शब्द दो बात बोल के बस अपना रोटी सेकना, किन्हीं का घर बर्बाद है। एक चीज हम कहना चाहते हैं, भले एक बेटा का माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन उस बाप के बारे में भी बेटा सोचते होंगे, भले अभी बहुत छोटा है लेकिन बढ़ेंगे तो, अगर मान लेते हैं बहुत लोग कहते हैं कि उनको आजीवन सजा हो जाए, मान लेते हैं ये है कि नहीं, बहुत लोग तो जलन के भाव से बहुत लोग उनको बताइए, फंसाने के वो काम बच्चा करते के हैं, भी तो फिर जिंदगी बर्बाद ना फिर हो उसका गई। जिंदगी कहाँ जाएगा बताइए, कितना दुख की बात है। हम एक चीज पूरा सबसे पहली विश्वास के तो साथ, माँ नहीं है, दूसरा नंबर बाप भी है, तो बाप भी जेल में है, उस बच्चा के क्या होगा। तो वही चीज हम एक चीज हम हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम किसी मुद्दे को लेकर के बात करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को हम पहले बता दें कि हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आपने आगे की क्लिप देखी है ना, हम विष्णु राज चौहान के मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज जो है विष्णु राज चौहान और मालती चौहान की केस की सुनवाई होगी। तो हो सकता है आज विष्णु राज को बेल मिल जाए और जमानत पे वो छूट जाए, हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे केस में मतलब वही होगा, सुनवाई होगी, तो सुनवाई में सब अपनी अपनी बात रखेंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, वो सब मतलब रखेंगे। फिर उसके बाद में जो भी देखो क्या फैसला वहाँ का होता है, हो सकता है बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इतने यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि बेल मिल ही सकती है, पर अगर बाहर निकल आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो आज निकल, कल नहीं तो परसों निकलेगा तो है ही फिर। और तो ये देखो, ये पहले पोंपो कर रही है, ये देखो क्या है, क्या है मारा, गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते। तो हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो है यूट्यूब पे ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं ना, कचरा फैलाते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, आपस में लड़ते हैं और लड़वाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की वीडियो देख लीजिए, चंदा भाभी को लेकर के, फिर गोरखपुरिया भौजी को लेकर के, फिर रूपतारा ब्लॉक को लेकर के, और सुनने में भी आया कि विष्णु राज की तबीयत भी बहुत ख़राब है और उनकी माता जी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और विष्णु की तो तबीयत ख़राब होगी, एक तो ठंड का मौसम है, पता नहीं बेचारा वहाँ पे कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है। तो अभी ये गए हुए थे महादेव, जो विष्णु राज चौहान के भाई हैं, महादेव गए थे उससे मिलने के लिए, तो बोल रहे थे कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दोबारा वो लोग मिलने गए तो उन लोगों को मिलने भी नहीं दिया, पता नहीं ऐसा क्यों, इसलिए ये तो नहीं पता है। पर मैं तो यही कहूँगी कि उसको बेल बेल मिल जाए और वो बाहर आ जाए, अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चे को देखे जो वो अकेला बेचारा है बिन माँ बाप का। दुख तो बहुत होता है पर क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आप लोगों से ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।